मॉर्निंग एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू फोटोग्राफी ब्लॉग। जैसे कि देख सकते हैं, समर का सीजन खत्म हो गया, बारिश का शुरुआत हो गया और दोपहर के टाइम में भी अगर आप आते हैं तो इस तरह क्लाउड्स आपको मिलेगा। फिलहाल अभी बजा है 11 और मैं चाहता था कि ऐसे 10 से 11 बजे के बीच में ही आऊँगा और कुछ लॉन्ग एक्सपोजर करूँगा, क्योंकि जब 3 बजे के बाद ना ये क्लाउड्स के मूवमेंट जो है ख़त्म हो जाते हैं, इन शॉर्ट क्लाउड्स ही बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं रहता और सुबह थोड़ा कलरफुल रहता है तो इतने क्लाउड्स आए नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी जो सन है ये ओवरहेड है तो अच्छा खासा डिटेल मिलता है। देखिए, हर जहाँ मैं देख रहा हूँ अभी हर तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर क्लाउड्स है, तो वाटर के साथ कुछ लेके देखते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ भी हो अगर मिलता है तो लेंगे। फिलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आपको दिखाया था एक और बार पहले जब मैं मूनस्केप करने आया था, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा जाके आप देखिए, तो उसी एरिया पे आया हूँ हीराकुद के बैक साइड पे। मोस्टली यहाँ पर मैं इस एरिया पे आता नहीं हूँ, लेकिन खैर यहाँ पर बहुत खाली रहता है और ज़्यादा भीड़ ही नहीं रहता है, तो सोचा कि चलो यहीं पर चलते हैं और कुछ फोटोग्राफी करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आपको सच बताऊं तो आज के क्लाउड्स को देख के ना मुझे लग रहा है कि मैं संबलपुर से कहीं बाहर आ गया हूं। वैसे ये मॉनसून के टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन दिक्कत यही होता है कि आपको मिड डे के टाइम पे जाने से ही ऐसा दिख सकता है। आप 3-4 बजे के बाद जाएंगे तो इतने सारे क्लाउड्स तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन खैर जो भी हो, आप जैसे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैमरा रखा हुआ है और कंपोज मैं कर रहा हूँ वो छोटे माउंटेन को जहाँ पर क्लाउड्स है। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि कंपोजिशन मैंने कैसा रखा है। बहुत ही सिंपल कंपोजिशन रखा है, 70-200 मैं यूज़ कर रहा हूँ अलॉन्ग विथ निकॉन Z8। तो एक कंप्रेशन इफेक्ट आएगा, एक स्केल दिखाने के लिए अच्छा मौका भी है, और उसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ निसी का 10 स्टॉप अलॉन्ग विथ मीको का 6 स्टॉप फिल्टर। मतलब मुझे ओवरऑल 16 स्टॉप्स मिल जाएगा जो कि एनाबल कर देगा मेरे को करीब करीब 4 मिनट का शॉट लेने के लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको कंपोजिशन दिखाता हूँ, उसके बाद लेते हैं इसका फोटो। तो बेसिकली मैंने जो कंपोजिशन रखा हुआ है इस तरह का रखा हुआ है, और ये मिडिल पे मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सेंटर ऑफ इंट्रैक्शन देने के लिए, और उसके ऊपर ही पूरा क्लाउड्स है तो थोड़ा कंप्रेशन भी अच्छा लगेगा। हालांकि इसको मैं अगर स्क्वायर फॉर्मेट में भी कर देता हूँ तो शायद मुझे अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। जो मेरा बेसिक सेटिंग्स था आफ्टर यूजिंग 6 स्टॉप्स ऑफ एनडी फिल्टर 1/6 F8 और ISO 64 पे था, तो अगर मैं उस पर 10 स्टॉप लगा देता हूँ तो लगभग 240 सेकेंड्स का मुझे एक्सपोजर मिल जाता है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 4 मिनट्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि क्लाउड्स के मूवमेंट भी बहुत फास्ट हैं, और जल्दी जल्दी इसका एक शॉट ले लेते हैं। अब वहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद मैं एक और लोकेशन पे आ गया हूँ, पास ही में ही है। देखिए, जैसे कि मैं कहता हूँ, हीराकुद डैम फिशरमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा चलता है। मैं अगर कहूँ तो हीराकुद डैम है इसलिए फिशरमैन बहुत सारे हैं, उनका लाइवलीहुड चलता है। तो उसी को ढूंढते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बोटमैन फिशरमैन रहते हैं तो उनका बोट का डॉक्स रहता है और बहुत सारे बोट रहते हैं, तो उसी को देखते हुए मैं आ गया हूँ एक और नई जगह पे। वैसा ही एक बोट मुझे मिला, और बाकी एक गड़बड़ है कि इस
क्लाउड्स का मूवमेंट खत्म हो गया है, इनफैक्ट क्लाउड्स भी खत्म हो गए हैं, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में क्लाउड्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूजेबल कंपोजिशन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो खैर देखते हैं, पहले आपको इस एरिया का लुक अराउंड कराता हूँ, फिर एक अच्छा कंपोजिशन देख के एक फोटो बनाते हैं। तो अब चलते हैं अपने सेकंड फ्रेम पे। जैसे कि देख सकते हैं, अब मैं अपने रेगुलर 20mm पे आ गया हूँ और स्टिल आई एम गेटिंग यूज टू इट। अभी तक आदत पूरी अच्छी तरीके से नहीं पड़ा है, लेकिन मैंने अभी वही 6 स्टॉप्स और 10 स्टॉप्स मतलब 16 स्टॉप्स टोटल में एनडी फिल्टर लगाया हुआ है। और ये बोट है और देख सकते हैं पीछे गुजा पहाड़ है। तो बेसिकली फ्रेमिंग ऐसा होने वाला है। और सेटिंग्स जो आ रहा है अभी आप देख सकते हैं 300 सेकेंड्स F8 एंड ISO 64। तो निकॉन का एक और अच्छा चीज़ यही है कि एक्सटेंडेड शटर स्पीड है, तो यू डोंट नीड टू कैरी एनी अदर शटर रिलीज केबल। और इंट्रावेलोमीटर, इसी के अंदर इंट्रावेलोमीटर भी दिया हुआ है और अप टू 15 मिनट्स तक एक्सटेंडेड शटर स्पीड भी दिया हुआ है। तो उससे मुझे ईजी हो जाता है, बस एक बार मैं दे देता हूँ अपना जो टाइमर मोड है 10 सेकेंड का, ताकि शेक ना हो। उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये अपने आप ही एक शॉट ले लेता है 300 सेकंड का। तो देखते हैं, फिलहाल अभी कंपोजिशन तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलिए इसका एक शॉट ले लेते हैं। अब सेकेंड फोटो ख़त्म होने के बाद मैं अपने फाइनल कंपोजिशन पे आ गया हूँ। वैसे धूप इतना जोर से लग रहा है, मतलब आप सोचिए अब 1:30 से 2 बजे के बीच में है और मैं यहाँ पर लैंडस्केप फ़ोटो उठा रहा हूँ, बहुत ही तकलीफ़ देता है। इतना धूप लग रहा है, इतना कड़ी धूप है, मतलब शार्प पिंच वाला दिमाग गर्म हो जा रहा है। तो मैं फाइनल कंपोजिशन पे आ गया हूँ और कहीं भी ढूंढने नहीं वाला हूँ, लेकिन जो फाइनल आखिरी वाला कंपोजिशन है वो भी मुझे ठीक ठाक मिल गया है। तो पहले चलो आपको कंपोजिशन दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरा कंपोजिशन ये होने वाला है। वैसे ये एक सिंगल एलिमेंट ही है ये जो बोट है, क्योंकि ऊपर क्लाउड्स हैं और वो डीप ब्लू स्काई है। तो इसको अगर मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ तो उसका लुमिनस अगर ब्लू का कम कर दूंगा तो शायद अच्छा फोटो आने वाला है, शायद क्या मेरे हिसाब से अच्छा ही आने वाला है। तो एक बार मैं अभी ट्राई भी ये किया कि 1.8 पे 16 स्टॉप्स मैं यूज़ करके लूँगा तो भी अच्छा शॉट आ रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फाइनल कंपोजिशन जो है मैंने बैठा लिया है और अभी जो मेरा सेटिंग्स आ रहा है वही आ रहा है, अबाउट 400 सेकेंड्स F8 और ISO 64। होप उससे मुझे एक अच्छा फोटो मिल जाए। अब मैं श्योर नहीं हूँ फोटो कैसा आने वाला है, लेकिन एक मिनिमल अप्रोच से मैं इसको ले रहा हूँ ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है बहुत अभी हाई है तो ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसका भी फोटो ले लेते हैं। Oh,
भाई साहब आज का ये व्लॉग बनाने का डिसीजन पता नहीं सही था या नहीं, लेकिन ये धूप तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दिया है। वैसे कभी मैं दोपहर के टाइम में नहीं जाता हूँ उतना शॉट उठाने, लेकिन अब सोच सकता हूँ कि लद्दाख जैसे जहाँ पर हाई माउंटेन रेंजेस होंगे और इस टाइम पे जब सन पूरा ऊपर रहेगा और ऐसे ब्लू स्काइज और क्लाउड रहेंगे तो क्या गजब का फ़ोटो आ रहा होगा। खैर अभी हम सपने में लद्दाख ही सोच के अपने यहाँ का फ़ोटो का एक्सपेरिमेंट कर दिए। खैर आप बताइए मेरे 20mm का फ़ोटोज़ आपको कैसा लग रहा है, आज का व्लॉग कैसा लगा, और आपसे बस एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, उसी से मुझे मोटिवेशन तो मिलता ही है सब्सक्राइबर बढ़ने से। अब देखिए 2 साल से ऊपर हो चुका है मेरे चैनल को खोले, मोनेटाइज का बात तो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन अगर वो भी हो जाता है तो जानते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र का लाइफ कितना मुश्किल होता है, कठिन। अगर वो भी हो जाता है तो भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों ने बेल पे हिट नहीं किया है तो उसको भी हिट कर दीजिए, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप कभी भूल गए किस टाइम पे मेरा वीडियो आता है देखने को। तो खैर आज का वीडियो बस इतना ही था, बताइए आपको कैसा लगा, और हर शनिवार के दिन मैं आपके साथ 9 बजे मिलता ही रहूँगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।